फ्रेंड्स, तो आज देखेंगे जो प्रोसीजर एंड पोजीशंस वाला जो वीडियो पहले बनाया था, तो उसका सेकेंड जो पार्ट बाकी रह गया था, कुछ पोजीशंस बाकी रह गई थी जो आपको बताना था। तो जो प्रोसीजर्स एंड पोजीशंस वाले जो पहले वाला वीडियो था उसे भी लाइक करिए, इसे भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके उसे बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हूँ जितेंद्र पाटीदार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल से। तो आप जो है मेरी वीडियो है, ऊपर आई बटन आएगा उसमें भी आएगा, आप उधर से भी देख सकते हो। पेशेंट्स पोजीशनिंग है क्या, पहले भी बताया, अभी पहले वाले वीडियो में सेम स्लाइड इसमें भी कॉपी किया है। पेशेंट पोजीशनिंग मतलब पेशेंट को प्रॉपरली मेंटेन करवाना है, अलाइनमेंट, नॉर्मल नेचुरल पोजीशन देना है विथ विदाउट एनी हार्म और इंजरी टू द पेशेंट एंड अवॉइडिंग हाइपर एक्सटेंशन एंड एक्सट्रीम लेटरल पोजिशन, वो जो है वो डेफिनेशन है उसका। नेक्स्ट गोल ऑफ पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट को कंफर्ट देना है, सेफ्टी देना है पेशेंट को, डिग्निटी एंड प्राइवेसी मेंटेन करना है पेशेंट्स का, और टू अलाउ मैक्सिमम विजिबिलिटी एंड मैक्सिमम असेसिबिलिटी, ये जो है वो गोल्स है पेशेंट्स को पोजिशनिंग करने का। नेक्स्ट, ये सिंपल स्लाइड मैंने डाला है, उसमें बहुत सारे पोजिशंस दिए हुए हैं जो कि कॉमनली यूज आते हैं। तो पहला जो है प्रोन पोजिशन है, दूसरा सुपाइन पोजिशन है, राइट लेटरल पोजिशन है, लेफ्ट लेटरल पोजिशन है, एंड फाउलर्स पोजिशन है, और ये जो हेड 15 डिग्री लो है वो टेंडर बंक पोजिशन है। देखेंगे पहला जो प्रोसीजर पोजिशन है वो लंबार पंक्चर, लंबार पंक्चर के ड्यूरिंग जो लंबार पंक्चर जो पोजिशन देते हैं वो है सी शेप पोजिशन देते हैं। सी शेप पोजिशन मतलब जो पूरा फ्लेक्स कर देते हैं पेशेंट का, जो नी है वो चेस्ट पे ले लेते हैं और जो चिन है वो चेस्ट पे लगा देते हैं, तो उसको जो है उससे जो मैक्सिमम फ्लेक्स होगा स्पाइन और इजीली साइड जो है वो मिल जाएगा और उधर से कलेक्शन कर लेंगे, और बाद में जो है उसी ऐसी पोजीशन देने से बाद में जो है वो हमें फ्लैट पोजिशन देना है 4 to 12 hours टू प्रिवेंट स्पाइनल हेडेक एंड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द फ्लूइड। नेसोगैस्ट्रिक इंसर्शन ईजी है, हाई फॉलर पोजिशन देना है, हेड टिल्टेड फॉरवर्ड, जो कि कॉमन प्रोसीजर है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है नेसोगैस्ट्रिक इरीगेशन, जब भी नेसोगैस्ट्रिक इरीगेशन करते हैं तो हेड ऑफ द बेड है वो 30 to 45 degrees फॉर 1 hour रखना है। इससे क्या होगा कि एस्पिरेशन के चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे और पेशेंट जो है वो उसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो होगा, जो कंटेंट जो स्टमक में है वो इजीली आगे पास हो जाएगा और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फील करेगा, तो ये पोजीशन उसके लिए बहुत ही मायने रखती है। और सबसे एक कॉमन वो है जो कि डेथ हो जाता है पेशेंट का, वो एस्पिरेशन से होता है, तो एस्पिरेशन भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये इवन नेसोगैस्ट्रिक इंसर्शन हो या नेसोगैस्ट्रिक इरीगेशन हो, ये जो हाई फॉलर पोजीशन है वो बहुत ही मायने रखती है, और ये पोजीशन पेशेंट्स को देना ही है ताकि हम प्रोसीजर के टाइम पे कोई मतलब बड़ा गलती ना कर दें और पेशेंट एस्पिरेशन की वजह से एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस हो जाए और मर ना जाए। नेक्स्ट पोजीशन जो देखेंगे वो है पोस्टरल ड्रेनेज। पोस्टरल ड्रेनेज जो इमोबाइल पेशेंट रहते हैं, जो बेड रिडन रहते हैं, उनको ये चेस्ट पे जो टैपिंग दिया जाता है और वाइब्रेशंस दिया जाता है वो सब पोस्टरल ड्रेनेज कहलाता है, और इसमें मतलब टेंडरबर्ग पोजीशन देते हैं, जो हेड है उसको लो कर देते हैं 15 degrees, ताकि उसकी वजह से जो लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ है वो ईजिली ड्रेन हो जाए आउटसाइड और पेशेंट कप के द्वारा उसको बाहर निकाल दे। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है रेक्टल एनिमा। रेक्टल एनिमा जो देते हैं उसमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, उसके एक रीज़न है कि जो बोवेल होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसका लास्ट जो पार्ट रहता है, जो फोल्ड लूप रहता है, वो लूप जो है वो लेफ्ट साइड में रहता है, उसकी वजह से लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। और अगर पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन दे के अगर तुम एनिमा दोगे तो वो रिटेन नहीं करेगा अंदर और वो वापस बाहर आ जाएगा। अगर लेफ्ट लेटरल में देते हो तो वो मैक्सिमम 1 hour 2 hours तक उसको रिटेन करवा सकते हैं, जब तक पेशेंट को मतलब फील ना हो कि एम्प्टी करना है, तब तक उसको उस लूप में कंटेंट रख सकते हैं, तो यही रीज़न है। दूसरा है सेंगस्टिक एंड ब्लैकमोर ट्यूब। ये जो ट्यूब है उस वो लगाने के बाद में ये एक इसोफेजियल वेरिसेस है, उसको पेशेंट को डायग्नोस होने के बाद में लगाते हैं, तो इस ये प्रोसीजर होने के बाद में हेड ऑफ द बेड जो है उसको एलिवेटेड कर देना है, और
इसी पोजीशन में रखना है ताकि जो पोर्टल हाइपरटेंशन ना हो जाए और पोर्टल ड्रेनेज इजीली हो सके, इसके लिए ये देते हैं। और इसोफेजियल जो बलून होता है उसकी वजह से दूसरे जो रेस्पिरेटरी वगैरह में इजीली ब्रीथ भी कर सकता है पेशेंट। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सेंगर स्टिकन ब्लैक क्योर में और ट्यूब पे पेशेंट है उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सीजर बेड साइड रखना है ताकि अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है तो पेशेंट का जो ट्यूब है वो लिप के बाहर जो है उसको कट करके फिर उसमें जो एयर है उसको लीक कर दिया जाता है ताकि पेशेंट ईजिली ब्रीथ कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सिंगल स्टिकन ब्लैक मोर ट्यूब वाला पेशेंट है तो उसको हेड अप द बेड एलिवेटेड रखना है, इजीली ब्रीथ भी कर सकेगा और पेशेंट इजीली वो भी कर सकता है। और नेक्स्ट जो पोजीशन आएगा वो है ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन जो करते हैं वो एक ईयर को क्लीन वैक्स जो है रिमूवल के लिए ईयर इरिगेशन किया जाता है, और कुछ फॉरेन बॉडी होगा तो उसके लिए भी ईयर इरिगेशन किया जाता है। लेकिन जब पेशेंट के कान में जब कोई सीरियल जाता है जैसे दाल वाल कुछ गया है तो उसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि वो फूक जाएगा और वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो इसलिए उसमें पानी नहीं डालना है। सो ड्यूरिंग प्रोसीजर टिल्ट हेड टुवर्ड अफेक्टेड साइड, जो अफेक्टेड साइड है उस तरफ हेड को टिल्ट करना है, और प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को अफेक्टेड साइड जो है जिस कान में कुछ प्रोसीजर हुआ है उसी साइड में पोजिशन करना है ताकि पहले तो ड्यूरिंग प्रोसीजर तो बेटर विजुलाइजेशन हो सके उसके लिए, और बाद में जो ईयर कैनाल है उसमें ग्रेविटी के कारण से सारा ड्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरासेंटेसिस। पेरासेंटेसिस में सेमी फोल्डर पोजीशन देते हैं और सिटिंग अपराइट पोजीशन में भी किया जाता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, और पोस्ट प्रोसीजर कोई भी पोजीशन दे सकते हैं जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल है। तो और ये जो पेरासेंटेसिस करते हैं उसमें एक चीज़ याद रखना कि ब्लैडर है वो पहले एम्प्टी करवाना है, ताकि अगर तुम 1.5 लीटर अगर पेरासेंटेसिस से निकाल दोगे तो पेरासेंटेसिस के बाद में, और अगर पेशेंट 1 लीटर यूरिन जाता है तो वो 2.5 लीटर हो जाएगा और पेशेंट हाइपोवोलेमिया में भी जा सकता है। तो ब्लैडर और बबल वो जो है एम्प्टिंग पहले करवा देनी है पेशेंट को ताकि तुम जो अमाउंट निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। तो एक घंटे पहले पेशेंट को बबल एंड ब्लैडर सब हैं वो क्लीन करने के लिए बोल देना है। और ये जो पैरासिंटेसिस हो या थोरेकोसिंटेसिस कोई भी हो, ब्लैडर वाला जो है वो क्लीन करवाना ही है। नेक्स्ट है थोरेकोसिंटेसिस। थोरेकोसिंटेसिस जो है वो बिफोर पोजीशन है, वो पेशेंट को जो पाव जो है वो बेड पे लटका के बिठाना है और एक टेबल देना है जिसपे एक पिलो दे के पेशेंट को सर झुका के रखना है, और यही बेड पे कार्डियक टेबल देके भी कर सकते हैं। और जो पेशेंट का प्रोसीजर होने के बाद में जो है वो कंफर्टेबल कोई भी पोजीशन दे सकते हैं, इसका एक रीज़न है टू प्रिवेंट लीकेज इनटू थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में लीकेज ना हो उसके लिए ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट मतलब जो जिसमें थोरेकोसिंटेसिस कर रहे हैं वो कैन जो है वो पेशेंट के बेड के नीचे रहना चाहिए ताकि इजीली वो ग्रेविटी से फ्लूइड है वो आ सके। नेक्स्ट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एक जो प्रोसीजर है उसमें एयर एम्बोलिज्म के चांसेस रहते हैं, तो ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ कैथेटर मतलब सेंट्रल लाइन या कुछ भी डालते हैं या फिर पिक लाइन डालते हैं पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन, तो उसमें ड्यूरिंग इंसर्शन के टाइम पे या फिर टीपीएन का जो पॉइंट जो होता है बैग होता है वो पेशेंट के साइड से कनेक्ट करते टाइम पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म प्रिवेंट करने के लिए हेडलॉक पोजीशन देना, जो कि 15 डिग्री हेडलॉक पोजीशन देना बहुत जरूरी है। लास्ट वेस्कुलर ग्रेविटी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।